हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। HPPSC के लिए रिवीजन टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आज के टेस्ट का जो लेवल है बहुत ही इजी लेवल रहने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हम इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल तीनों को डिस्कस किया करेंगे, तो आज का जो लेवल है बहुत ईजी है। खुद को चेकआउट करें कितना आप टैकल कर पा रहे हैं। और अगर आप हिमाचल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने एग्ज़ाम देख लेना, ठीक है। और अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं तब भी यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पर है? शिमला, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा पालमपुर में है आपका स्वामी विवेकानंद अस्पताल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है? टेकचंद भंडारी, रमेश टामटा, कमलेश शर्मा या फिर दलीप सिंह राणा? हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है किस खिलाड़ी को? टेकचंद भंडारी को जाना जाता है। और ये किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो इनका गेम है, ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से उसी तरह बीमारी संबंधित है। देखिए अपराध जैसे कि संबंधित है आपके कोर्ट से, ठीक है, तो बीमारी किससे संबंधित हुई? लॉयर से, मेडिसिन से, डॉक्टर से या फिर हॉस्पिटल से? जल्द से बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा हॉस्पिटल से, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से तो बीमारी संबंधित नहीं हो सकती है, मेडिसिन से संबंधित नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि अगर आपको कार्डियो की प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियो के हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर भारत में मत देने का अधिकार है, बताइए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है या फिर लीगल राइट है? भारत में मत देने का अधिकार, देखिए ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और संविधान का आर्टिकल 326 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान के लिए अधिकार देता है। आर्टिकल याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आप सभी वोट देते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप किस आर्टिकल के तहत वोट दे रहे हैं, ठीक है, आपका कौन सा राइट है यहाँ पर। तो आर्टिकल 326 जो संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, वो हमें 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान देने का अधिकार देता है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? सभी को आता होगा कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या फिर लाहौल स्पीति, कौन सा है? देखिए देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है आपका कुल्लू, और कुल्लू से रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका चीनी तीर्थयात्री भी पूछा जाता है, ठीक है, जो भी तीर्थयात्री थे, ठीक है, तो इसमें आपका हेन सॉन्ग का नाम बहुत बार आता है, ठीक है, और उसने क्या किया था, देखिए क्यू लूटू यानी कि कुल्लू देश का वर्णन किया है उसने अपनी बुक में, ठीक है। और कर्नल APF हार्टकोट ने अपनी पुस्तक कुल्लू, लाहौल और स्पीति में कुल्लू के इतिहास के बारे में लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है APF हार्डकोर, ठीक है। और कुल्लू में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, प्राचीन काल में कुल्लू पर 7 वजीरों का शासन था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका वजीरी परोल हो गया, वजीरी रूपी हो गया, वजीरी सराज हो गया, वजीरी लग महाराजा हो गया, वजीरी लग सारी हो गया, वजीरी भागल हो गया, वजीरी लाहौल हो गया, ठीक है, तो ये 7 वजीरों का शासन था यहाँ पर। और क्या यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है? देखिए कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में नोट डाउन जरूर करते रहा करें, ठीक है। बिहंगम मणिपाल ने की थी, किसने की थी? बिहंगम मणिपाल ने की थी, ठीक है, किसने की थी? बिहंगम, ठीक है, बिहंगम मणिपाल, ठीक है, मणिपाल, बिहंगम मणिपाल ने की थी कुल्लू रियासत की स्थापना। और यहाँ पर और क्या पूछ सकता है, फैक्ट याद रखो, बिहंगम मणिपाल ने जगत सुख को कुल्लू रियासत की पहली राजधानी बनाई, जिसे नास्ट के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? नास्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्या लाइन मैंने यहाँ पर रिपीट की? बिहंगम मणिपाल ने जगत सुख को कुल्लू रियासत की पहली राजधानी बनाई, जिसे नास्ट के रूप में भी जाना जाता है। और उस समय कुल्लू में 7 वजीरे थे, ठीक है, मैंने आपको नाम याद करवा दिए हैं, ये 7 वजीरे आपको याद रखना है। और बिहंगम मणिपाल को हडिम्बा देवी ने आशीर्वाद दिया और कुल्लू पर शासन करने के लिए कहा था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए
बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा। बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा, किससे खेती करेगा, जल्दी से इसका आप मुझे कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, देखते हैं आपका नॉलेज कितना है। क्लियर, 32 का आप मुझे करिए कमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, जल्द से बताइए। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट गलत है, प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट या फिर नन ऑफ दिस, जल्दी से बताइए। देखिए पहले भी हमने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, द प्रेसिडेंट द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा दिन सभी को आना चाहिए, तो 22 दिसंबर अगर आपने सोचा, वेल डन। और ये भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जल्दी से बताइए, कराची में है, पटना में है, औध में है या फिर इलाहाबाद में है, जल्दी से बताइए, यानी कि जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट जाने से पहले इसका सही आंसर होगा नियर पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, कब लागू की गई थी जी, 1959 में, 1965 में, 1952 में या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, जो एग्जैक्ट आपको याद रखना है। और इस प्रणाली को बाद में पंचायती राज के रूप में जाने जाना जाने लगा, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। और ये नागौर भी बहुत बार ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है, कि राजस्थान में कहाँ पे किया था, तो नागौर में किया था। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुआ था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है कहाँ पे है जी, सभी को आता होगा क्या ये, पुणे महाराष्ट्र, विपरी महाराष्ट्र, पेरम्बूर तमिलनाडु में या फिर राजकोट गुजरात में, जल्दी से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान इंस्टीट्यूट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, या ये 8 जून को, 18 जून को, मई 8 को या फिर मई 18 को, द राइट आंसर इज 8 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ये तिथि जीन हेनरी डुनांट के जन्म की वर्षगांठ है, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। वे रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और पहले नोबल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, श्रीलंका या फिर नन ऑफ दिस, 39 का जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो आपका लार्जेस्ट आइसलैंड है वर्ल्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है जी, ये तो सभी को आना चाहिए, जल्दी से ऑप्शन देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा, नाम पढ़ा होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। देखिए चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, और ये कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के CJI हैं। ठीक है, और आपको इतना याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रवि इज मैरिड डैश कजन ऑफ माइन, हमने यहाँ पर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड हमने यहाँ पर यूज करना है, बताइए, रवि इज मैरिड टू अ कजन माइन, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, जल्दी से देखिए, आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस टू लुक डैश द मैटर, जल्दी से
मतलब मंत्री ने मामले को देखने का वादा किया था, क्या ये एट इनटू फॉर या फिर अबाउट? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी इनटू। नेक्स्ट देखिए, अबनी का विपरीतार्थक शब्द हमने यहाँ पर देखना है, क्या ये आकाश, अंबर, नभ या फिर आसमान? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंबर। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है, क्या ये अग्रिजा, अर्गजा, अग्रज या फिर आग्रज? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्रज। हिंदी में कन्फ्यूजन आती है, नहीं पता लगता है, मास्टर क्लासेस है हमारे पास, ज्वाइन कर सकते हैं। सोना शब्द का प्रत्यय बनता है, जल्दी से बताइए, सोना शब्द का प्रत्यय बनता है सोब, सुनार, सुनाई या फिर सुनबाई? इसका सबका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट, वीडियो कोर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, अपडेटेड वर्जन एचपीपीएससी का, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, और जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, उसमें आपका पता चल जाएगा कि कितना आप टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।